अस्सलामुअलैकुम। आज हम आए हुए हैं बकरों के बीच में। अगर आप लोगों को बकरे देखने का शौक़ है तो प्लीज़ देखिएगा, बहुत ज़बरदस्त वीडियो बनाने जा रहा हूँ आज मैं। घर पे पले हुए बकरे हैं ये, और छोटे छोटे तो बच्चे थे तब हमारे कज़न लेके आए थे, इन्होंने अपने घर पे प्रॉपर जगह बनाई है और बहुत ही कोई ज़बरदस्त किस्म की जो है इनका ख्याल किया गया है बकरों का। और आए चले चलते हैं, देखते हैं कि इनसे मालूम करते हैं कैसा रहने का एक्सपीरियंस। पहला अस्सलामुअलैकुम शाजिब भाई, कैसे हैं? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत। तो भाई ये हमारे कज़न हैं शाजिब भाई, ये माशाल्लाह से सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं और एक बहुत अच्छे सॉफ्टवेयर हाउस में काम करते हैं। इनकी जो डेली रूटीन है बहुत ज़्यादा बिजी होती है, शाम को 7 से सुबह 5 तक ये ऑफिस में होते हैं। और फिर इसके अलावा इन्होंने इतना अच्छा माशाल्लाह सेटअप इन्होंने अपने घर के ऊपर छत पर तैयार किया है बकरों का। और क्योंकि ख़ुद भी बहुत अरसे से शौक़ है इनका, बचपन से ही इनको शौक़ है इन सारी चीज़ों का, तो अब इनको टाइम मिला तो उन्होंने कहा भाई चलो अब करते हैं। तो अब इनके पास आज हम आए, चलें इनसे मालूम करते हैं कैसे इनका एक्सपीरियंस रहा, क्या सोचा, किस तरह से ये चीज़ें मैनेज कर रहे हैं, टाइम कैसे दे रहे हैं। और वो लोग ख़ासतौर पर जो लोग कहते हैं कि यार हमारे पास टाइम नहीं है, हमारे पास हमें शौक़ तो बहुत है लेकिन हमारे पास टाइम नहीं है, तो वो कैसे मैनेज कर सकते हैं सारी चीज़ों को लेकर। तो बताएं शाजिब भाई, कैसा रहा आपका पहला एक्सपीरियंस, कितने बकरों से आपने स्टार्ट लिया, क्या सोचा आपने कि जगह का कि मेरे पास जगह नहीं है? क्योंकि बहुत से लोग ये कहते हैं कि जगह होनी चाहिए, एक अलग जगह हो, उसका रेंट होता है, बड़े खर्चे होते हैं, चीज़ें होती हैं। तो मतलब आपके माइंड में कैसे आया कि मैं अपने छत पर एक सेटअप करता हूँ, एक अलग आपने पूरा का कमरा बनाया, क्या रहा आपके माइंड में? सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम आपके तमाम व्यूअर्स को। और यार आप ये समझें कि काया बकरों का एक नॉर्मल जो हम कराची वाले जो लोग होते हैं, आपको पता है जब ग्रो अप हो रहे होते हैं तो बचपन से ही कुर्बानी ईद उल अज़हा का जो सीज़न होता है ये बड़ा फैसिनेटिंग होता है। बिल्कुल, तो हर किसी को शौक होता है अपने के बचपन से कि यार घर में जानवर आया, उसकी खिलाई पिलाई करें, उसको कुर्बान करें, एक मोहब्बत एक सिलसिला जो बचपन से ही होता है। बिल्कुल, तो मेरे साथ भी ऐसा ही था, बचपन से ही समझिए कि मुझे जानवरों का शौक़ था, मतलब घर में कुर्बानी माशाल्लाह से बचपन से हो रही है, तो एक शौक़ था कि भाई शुरू से जानवर ईद से 1 हफ्ता 10 दिन पहले आना, उनकी खिदमत करना, तो इनके साथ एक सिलसिला ऐसा ही था। तो जब बड़े हुए, लाजमी सी बात है आप यूनिवर्सिटी कॉलेज लाइफ से गुजरते हुए जब प्रोफेशनल लाइफ में आते हैं तो ऑब्वियसली आपके पास बड़ा टफ हो जाता है ये चीज़ें मैनेज करना, आप नहीं मैनेज कर पाते। सही बात है। तो बस एक शौक़ था, इसको काफ़ी अच्छे से करना चाह रहे थे, शुरू करना शौक़ तो बचपन से ही था, लेकिन बस उसको अचानक तो लास्ट अबू से बात करी मैंने, कहा यार थोड़ा कुछ करने की कोशिश करें। सही है। तो बस वहाँ से समझे कि शुरू किया। और सबसे देखें मेरा जो वर्किंग आवर्स है मेरे ऑफिस के उसके साथ थोड़ा मैनेज करना मुश्किल होता है, और इसलिए मैंने कहा कि सबसे बेहतर रहेगा कि आप अपनी छत पे काम करें, रूफ टॉप पे सेटअप करें। उससे क्या होता है कि देखें आप एक अलग, क्योंकि देखें ये जो काम है ना ये आपका काफ़ी एफर्ट मांगता है, बहुत ज़्यादा मेहनत, क्योंकि बहुत एफर्ट मांगता है ये, तो मेरे ख्याल से बकरे जानवर का तो ऐसा ख्याल करना जैसा उन्हें छोटे बच्चे नहीं। जी बिल्कुल, क्योंकि आप ये समझिए कि न्यू बॉर्न आपके जो बच्चे होते हैं उनसे भी ज़्यादा आपको इनका ख्याल रखना पड़ता है। बिल्कुल सही बात है। तो सबसे बेहतर यही था मेरे पास ऑप्शन के मैं किसी फार्म हाउस पे या किसी ओपन स्पेस पे जाके सेटअप करने से बजाय अपना रूफ टॉप पे सेटअप कर सकें। तो लास्ट ईयर मैंने मतलब समझिए मेरा फर्स्ट ईयर है सेटअप का, तो माशाल्लाह बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है। और अभी आपको मैं बकरा वगैरह दिखाता हूँ, तो बाकी आपकी मैंने भी जो आपका सेटअप देखा ना, जो मैंने फ़र्स्ट टाइम आपके पास आके देखा, तो मैं खुद बहुत ज़्यादा शौक था कि मतलब ऐसा सेटअप मैंने इमेजिन भी नहीं किया था कि आप छत पे कर सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा आइडिया था, जो लोग खुद भी चाहते हैं करना और जिनके पास जगह का इशू है और उनके पास छत है तो वो छत पर छोटे मोटे कमरे डाल के जो है लिमिटेड बकरों से स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये मुझे बताएं कि आपने सबसे पहले कितने बकरों से स्टार्ट लिया था और वो मतलब कितने बड़े बकरे आपने लिए थे उस टाइम पर? देखिए जब ये मैं अपना ये सिलसिला शुरू करने का सोच रहा था तो इसके अंदर मैंने बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट बड़े बहुत बड़े माशाल्लाह से यूट्यूबर बड़े फार्मर्स हैं, बिल्कुल उनके मैंने ब्लॉग्स देखे कि उन्होंने किस तरीके से चीज़ें स्टार्ट करी। सही है। तो बस समझें कि उन्हीं के रेफरेंस, उन्हीं की वीडियोस, उन्हीं की गाइडेंस, उसी के साथ ही समझें एक सेटअप इनिशिएट किया मैंने। सही। और बस उनकी वीडियोज़, उनके फीडबैक्स और लोगों से मशवरे करने के बाद शुरू किया। अच्छा आपने सवाल किया है कि मैंने कितने बकरों से शुरू किया। बिल्कुल, इस वक्त तकरीबन आप समझिए कि मेरे पास इस वक्त मेरे सेटअप में मौजूद हैं तकरीबन 22 बकरे हैं मेरे, माशाल्लाह। ठीक है, 22 बकरे हैं मेरे पास। और इनिशियली जब मैंने ये काम करने का सिलसिला शुरू किया उस वक्त जो है मैंने छोटे बच्चे लिए थे, अराउंड 4 to 5 months के थे। सही है। ठीक है, तो उनसे मैंने ये समझे कि एक्सपेरिमेंटल तौर पर एक शुरू किया और माशाल्लाह से ग्रो करते करते माशाल्लाह आज मेरे पास सेटअप पे 22 बकरे हैं, जिसमें से फॉर सेल के भी हैं, कुर्बानी के भी हैं, मेरे अपने भी कुर्बानी के साथ कोई बकरा है इसके अंदर। ठीक है, तो यहाँ से सिलसिला शुरू किया। अच्छा, तो मुझे ये बताएं कि इसका क्या सीन है, मतलब
चले पेनाफ्लेक्स आपने बनवाया, अच्छा लग रहा है आपका अपना वो हिसाब किताब है। नाम क्या सोच के रखा कि अल्हम्दुलिल्लाह गोट फार्म, मतलब थोड़ा बताएं इसके बारे में। अगर अगर इससे हम थोड़ा सा एक स्टेप पीछे जाए ना तो मेरे अल्हम्दुलिल्लाह और भी दूसरे जो बिजनेस हैं सही है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर तो मेरा समझे मैं, ये तो प्रोफेशन है आपका, प्रोफेशन है सही है। मैंने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हूँ, एक सॉफ्टवेयर हाउस में काम करता हूँ, लेकिन साथ साथ एक जो हमारा एक छोटा सा बिजनेस भी है वो ऑटो पार्ट्स का है ना, ठीक है, गाड़ी ऑटो पार्ट्स का भी है, तो उसका भी जो नाम है वो अल्हम्दुलिल्लाह ऑटो पार्ट्स करके है, इसी तरीके से ये अल्हम्दुलिल्लाह गोट फार्म। तो ये जो नाम अल्हम्दुलिल्लाह ना, इसके पीछे भी एक्चुअली एक स्टोरी है, सही है। एक स्टोरी कह लें इसको आप या क्या कह लें, तो बड़ी मज़े की एक स्टोरी है, तो समझेंगे इस स्टोरी से ये नाम पूरा अल्हम्दुलिल्लाह। तो मतलब आप जो जो आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं आप सबका नाम अल्हम्दुलिल्लाह ही रख रहे हैं फिलहाल? फिलहाल नहीं, क्योंकि देखें या शायद ये नाम आपके लिए गुड लक था कि आपने बोला नहीं यार ये देखें, एक गुड लक तो था ही, बाकी अल्हम्दुलिल्लाह आप अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं ना, बिल्कुल बिल्कुल अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। तो इससे बेहतर नाम मुझे और कोई समझ में नहीं आया, लेकिन स्टोरी तो अपनी अपनी जगह है, लेकिन माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह का मतलब ये है कि आप अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं, तो आप जो भी काम करें उसमें अल्लाह का शुक्र अदा करें, बाकी अल्लाह की बरकत उसमें खुद को शामिल होती रहती है। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात, ये स्टोरी थी वो मैं स्टोरी बताना नहीं चाहूँगा, बड़ी मजे की स्टोरी है, अगर मेरे कोई दोस्त वगैरह देख रहे हैं तो डेफिनेटली उनको ये स्टोरी पता होगी, क्योंकि हम सब ने साथ ही एक एक्सपीरियंस किया था, तो एक्चुअली एक स्टोरी की वजह से एक नाम प्रॉपर हुई। सही, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा दूसरी चीज़ मुझे ये बताएं शाहजेब भाई के, जाहिर सी बात है आप ऑफिस गोइंग बंदे हैं आप, ठीक है, आपकी अपनी फैमिली भी है, माशाल्लाह से 22 बकरे हैं आपके, आप अकेले तो वो ये सेटअप देखना आपके लिए तो इम्पॉसिबल सी बात है, तो आपने कितने वर्कर्स रखे हुए हैं और वो किस तरह से इसका ख्याल रख रहे हैं, खाना पिलाने इनकी क्या टाइमिंग्स हैं और ये वो सारी चीज़, खाने में क्या दे रहे हैं सबसे वो इम्पोर्टेंट चीज़ तो ये है। देखिए ऑब्वियसली आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को देख लें या किसी भी आप फॉर्म को देख लें तो उसके अंदर जब तक आपका हेल्पिंग हैंड्स आपके अगर स्ट्रॉन्ग ना हो ना तो आपको कहना भी नहीं मिलती, तो माशाल्लाह से मेरे पास भी बड़े अच्छे सपोर्टिव हैंड्स हैं जिन्होंने मेरे साथ बहुत बड़ा अच्छा काम किया, जो मेरे केयर टेकर हैं फार्म के करीम बख्श साहब, अभी आपसे मैं उनसे भी मिलवाता हूँ, तो माशाल्लाह से उन्होंने अपने बच्चों की तरह इन बकरों का ख्याल रखा है। सही। फिर दूसरा एक बच्चा होता है सैफुर रहमान है हमारे पास बच्चा, तो ये दोनों की बड़ी मेहनत है इस फार्म को चलाने में, इनकी सफाई सुथराई खाना पिलाना जो भी है तमाम चीज़ें इनको मैं बताता हूँ, माशाल्लाह से बड़े अच्छे तरीके से इन लोगों ने इन चीज़ों को रखा है, तो अभी आपको इन लोगों से भी मिलवाता हूँ, तो माशाल्लाह देखिए सपोर्टिव हैंड्स आपके पास अगर अच्छे हो ना तो आप ग्रो करते हैं माशाल्लाह। अच्छा शाहजेब भाई काफ़ी मुझे लग रहा है काफ़ी देर हो गई, अब हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं ना वो चाह रहे होंगे कि अब वो बकरे देखें जी, कि बिल्कुल जरूर, छोटे से बकरों का कितना टाइम हो गया आपको? आपसे तो मुझसे एक साल हो गया था। हाँ, पूरा साल। अब वो ये रिजल्ट देखना चाह रहे हैं कि एक साल बाद वो छोटे से बकरे जो आपने 4-5 मंथ्स के लिए थे अब वो कैसे दिखते हैं, तो चलें आप वो थोड़ा सा दिखा दें। जरूर जरूर प्लीज़। शाहजेब भाई जो बकरे खड़े अभी खाना खा रहे हैं इनका क्या मतलब, इनके बारे में कुछ बताएं क्या सीन है इनका? अच्छा सबसे पहले तो बताऊँ अब सेटअप अगर आप देखें मेरा तो लेफ्ट साइड पे जो है ये सारे बड़े बकरों का सेटअप है। सही है, वो जो सारे अंदर बंद हैं सामने आप देखेंगे तो ये छोटे बकरों के मैंने अलग सेग्रीगेट सेक्शन बनाया हुआ है। सही है। एक्चुअली होता क्या है कि बड़े बकरे जो है ना, लेकिन सारे बकरे अंदर खुले होते हैं, बना हुआ कोई भी नहीं होता, सिर्फ खाने के वक्त उनको हम बांधते हैं ताकि प्रॉपरली अपनी डाइट ले सकें। अच्छा सारे बकरे जो है मेरे पास, सारे बकरे जो हैं ये सब सेल्फ फीड पर हैं, किसी को भी हम हैंड फीड नहीं कराते, सारे बकरे माशाल्लाह अपनी मर्जी से खाते पीते हैं घूमते हैं, तो इसलिए हमने सेग्रीगेट सेक्शन बनाए हुए हैं, छोटे बकरे सामने के सेटअप पे होते हैं, बड़े बकरे अंदर रूम के सेटअप पे होते हैं, तो सारे बकरे छोटे वहाँ घूमते हैं यहाँ बड़े घूम रहे होते हैं। अभी आपको सब कुछ जब बाहर आप घूमे फिरेंगे अभी आप देखिएगा वीडियो के अंदर। हाँ लेकिन छोटे कहने को छोटे हैं, बहुत अच्छे साइज़ के, अगर आप लोग सामने से आ गए, मैं वैसे बता रहा हूँ लोगों को जो वीडियो देखेंगे ना उनको मैं बता रहा हूँ कि वैसे साइज़ में माशाल्लाह ये बहुत अच्छे हैं, कहने को छोटे हैं क्योंकि वो जो अंदर है ना वो इनसे भी ज़्यादा हेल्दी हैं, माशाल्लाह लंबे और तगड़े हैं वो, तो उनके आगे जो है छोटा कहा जा रहा है इनको। तो करीम चाचा हैं ये हमारे, करीम भाई हैं, करीम साहब कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक हैं। आप बताएं आप यहाँ पे क्या करते हैं भाई? हम बकरों की देखभाल करते हैं। बकरों की देखभाल माशाल्लाह बहुत अच्छी कर रहे हैं। अच्छा बताएं थोड़ा बताएं कि आप बकरों का आप कितने अरसे से ख्याल रख रहे हैं, कैसा जा रहा है आपका, कैसा तजुर्बा कैसा रहा है आपका? बेहतरीन जा रहा है। अच्छा माशाल्लाह जबरदस्त चले, अच्छी बात है। क्या नाम है भाई आपका? सैफुर रहमान। कैसे हैं आप? बेटा कैसा जा रहा है आपका एक्सपीरियंस बकरों के साथ? मजा आ रहा है बकरों के साथ टाइम गुजारने में? हाँ। ख्याल सही रख रहे हो? हाँ। चलो अच्छी बात है, खुश हैं ये आपसे? हाँ। चलो अच्छी बात है, आप खुश हो इनसे? हाँ। चलो ये तो बहुत अच्छी बात है। अभी आपने क्या खिलाया है इनको, क्या खा रहे हैं ये? चारा डाला है खा रहे हैं, चलो अच्छी बात है। करीम भाई अभी तो आपने चारा डाला था, आप दोबारा चारा क्यों डाल रहे हैं यार? ये हमने छोटू बकरों को खाना चारा खिला दिया। सही है। अब बड़े बकरों की अब इनकी बारी, जो बेचारे झांक रहे ऊपर चढ़ चढ़ के। हाँ, तो बहुत बेताब हो रहे हैं, बहुत देर से है।
अच्छा माशाल्लाह से शादी भाई अपने बकरों के नाम भी रखे हुए। अभी अभी नाम रखा हुआ है। अभी ये जब बाहर निकलेंगे ना सारे, तो फिर मैं आपसे पूछूंगा भाई नाम के पीछे क्या कहानी और क्या सोच के नाम रखे हैं। चलो भाई माशाल्लाह आ गए। चलो भाई जबरदस्त जबरदस्त। खाओ भाई खाओ, मजे करो तुम। अच्छा शाजिब भाई मुझे एक और बात ये बताएं, हमारे व्यूअर्स को जानना चाह रहे होंगे डेफिनेटली, मैं ये बताएं कि जितने भी बकरे हैं ये सारे किस कैटेगरी में लाए करते हैं, खसी हैं क्या हैं? और अच्छा मेरे पास इस वक्त जितने बकरे हैं माशाल्लाह तमाम सारे बकरे खसी हैं। सही है, तमाम बकरे खसी हैं। और अगर आप मुझसे प्राइस रेंज की बात करते हैं तो मेरे पास स्टार्टिंग प्राइस रेंज है 45,000 से लेके 1,45,000 तक की रेंज। अच्छा माशाल्लाह। और माशाल्लाह से सारे बकरे मेरे पास इस वक्त दो दांत हैं और एक बकरा है जो अभी तीसरा दांत अपना निकाल रहा है, तो मैं आपको सभी दिखाता हूँ। सही है, सारे बकरे आपको दो दांत की फैसिलिटी में। तो अच्छा मुझे एक और बात ये बताएं कि आपने कहा कि आपको एक साल हो गया तकरीबन, अब बीच में कोई ना कोई इनको मेडिकली भी किसी डॉक्टर वॉक्टर को दिखाना या किसी की तबीयत ख़राब होना या जो भी इनमें मसले मसाइल होते हैं बकरों के अंदर, तो वो आपने किस तरह से मैनेज किया? देखिए माशाल्लाह जितने बकरे मेरे पास मौजूद हैं तमाम सारे बकरे वैक्सीनेटेड हैं। अच्छा, इनको तमाम वैक्सीन सीजन की तमाम वैक्सीन तमाम हर बकरा मेरा वैक्सीनेट है, तो डॉक्टर बाकायदगी से आते हैं विजिट के लिए इनके जब सीज़न होता है वैक्सीनेशन का, मतलब रूटीन चेकअप है इनका। डॉक्टर अवेलेबल है मेरे पास माशाल्लाह, हमाद क्लिनिक के डॉक्टर अहमद होते हैं जो मेहमान ब्रांच में होते हैं, तो माशाल्लाह से उन्होंने तमाम बकरों को कैस्ट्रेशन से लेके वैक्सीनेशन एंड ईच एंड एवरीथिंग सब कुछ वही हैंडल करते हैं माशाल्लाह से मेरे गाँव पे। शादी भाई ये वाला बकरा कौन सा है? अरे माशाल्लाह से इनका नाम है कमांडो। कमांडो है ये? कमांडो है हमारे ये। हाँ। से अभी फ्रेश दो दांत हुए हैं ये। सही है, माशाल्लाह इनका साइज और इनका फ्रेम देखें माशाल्लाह, इनका बहुत थोड़ा पीछे से देखता हूँ, बड़ा फ्रेम है माशाल्लाह से इनका। क्या हुआ, पानी पीना है इसको शायद? नहीं ये खुले घूमते ना, आपको पता है। ओ भाई मेरे पास कहाँ आ रहा है मुझे क्यों मार रहा है क्या सीन है इसका? आपने कितना बड़ा था जब आपने लिया था ये? माशाल्लाह मेरे पास था तकरीबन 5 महीने का। अच्छा माशाल्लाह, ये दो दांत फ्रेश, दो दांत हुए भी है उसके, तो माशाल्लाह से लग रहा है पैसे भी अच्छे ही होंगे। नहीं आपके व्यूअर्स के लिए अच्छे पैसों में देंगे इंशाल्लाह। भाई जो मेरे रेफरेंस से आएगा मुझे ये बताएं कि भाई डिस्काउंट होगा नहीं होगा? बिल्कुल डिस्काउंट देंगे। बस ठीक है। इसके बारे में बताएंगे कौन है? ये हमारे हेजल। हेजल हेजल नाम है इनका। अच्छा पहले जो दिखाया था वो कौन था? उनका कमांडो नाम। क्या सोच के नाम रखा था? माशाल्लाह से कमांडो एक्शन की तरह ये बहुत एक्टिव है। हाँ वो जो अभी जैसे मेरे ऊपर चढ़ रहे थे, एग्रेसिव हो रहे थे बहुत ज्यादा, इसका नाम कमांडो रखा बचपन से ही, ये बहुत ही ज्यादा एक्टिव था। सही था। और ये कौन है? ये हमारे सबसे मेरे फार्म के सबसे शरीफ बकरे हैं, इनका नाम है हेजल। हेजल नाम है इनका माशाल्लाह से। ये भाई इसको तो रोके कमांडो, ओए कमांडो चलो उधर हो जाओ। ये अपने भी तीसरा दांत कर रहे हैं माशाल्लाह, ये मेरे बिग साइज बड़े फ्रेम के बकरे हैं माशाल्लाह से। ये नाइस माशाल्लाह। हेजल नाम क्यों रखा है इनका भाई? अबे उसको रोको लगा हेजल नाम, इनको इसकी पर्सनालिटी को देखते मुझे अच्छा लगा करता था। चलो जबरदस्त भाई, ये तो बहुत ही ज्यादा अग्रेसिव हो रहा है, कमांडो चाह रहे हैं कि मैं अब जाऊं, बहुत देर हो गई है। चला जाता हूँ भाई, मैं चला जाता हूँ, कोई मसला नहीं है यार। सर पकड़ लो। और कौन से हैं? ये कौन है भाई? भाई ये इनका नाम है एलमंड। एलमंड इनकी सींग तो माशाल्लाह बड़ी टाइट प्यारी यार, पीछे इनका आप साइज देखें, मारखोर वाली सींग है इसकी, तो पीछे साइज देना, इसका साइज देखें माशाल्लाह से आप, तो आपको उसका वजूद का अंदाजा होगा। सीना देखें, ये देखें माशाल्लाह मेरी माशाल्लाह, ये भी अभी फ्रेश दो हुआ है। सही है, ये लास्ट वीक तक इसने अपना दांत ढीला किया, तो माशाल्लाह इससे दांत ईद को फ्रेश दो दांत हुए। ठीक है ज़बरदस्त। ओरियो लो। ये कौन से भाई? ये ओरियो है? ये माशाल्लाह से हमारे फार्म के ओरियो है, नाम ओरियो है। ओरियो ज़बरदस्त फ्रेश दो हैं, ये मैं आपको दिखाता हूँ। अबे यार ये कहाँ से आ गया मेरे पास कमांडो? ओरियो ये माशाल्लाह बकरे बहुत एक्टिव हैं भाई, ये तो हाथों में ही नहीं आ रहे, क्या सीन है? ये देखिए माशाल्लाह से इसका आप साइज देखिए, फ्रेम देखिए इसका, ये कितना बड़ा था जब आप लेके आए थे भी वही? ये सारे सेम आसपास की भाई। शाजिब भाई एक और बात बताएं, लोग अक्सर कहते हैं कि पेट निकालने के लिए लोग पानी पिला देते हैं, पता नहीं कौन सा पानी होता है, बेसन का या पता नहीं मैदे का। बच्चे ये बिल्कुल कोई बेसन का पानी कुछ भी नहीं,
माशाल्लाह एक घर के दाने पे घर के पले लगते हैं सारे। वो तो देखो कमांडो तो भाई, ओ हो ओ हो हो, ये कौन है? अच्छा भाई ये हैं हमारे कैरेमल साहब हैं, ये कैरेमल नाम है इनका, कैरेमल नाम है इनका। माशाल्लाह माशाल्लाह साहब, इनकी आप कमर देखें, इनका भी साइज देखें माशाल्लाह, ये भी कुछ छोटे आए थे, इनकी कैस्ट्रेशन सबको हर चीज़ सबकी यही हुई है। ये भी दो दांत में अवेलेबल है, अवेलेबल फॉर सेल है ये माशाल्लाह से। इनके आप सीना वगैरह देखें माशाल्लाह से बकरे का। मुझे जो अभी देखने में सबसे ज़्यादा मज़ा आ रहा है ना, वो उसको देखने में मज़ा आ रहा है। वो देख उसकी हालत। सैफ बेटा तुम ठीक तो हो? तुमने कुछ किया तो नहीं इसके साथ? ओ तेरी। जब ये खाना वाना खा के फारिग होते हैं तो वो इन सारे बकरों को खोल दिया जाता है, वो थोड़ी सी वॉक करते हैं और फिर इनको वापस अपने अपने कमरों में इनको बंद कर दिया जाता है। चलो वो दिखा देता हूँ, उसके बाद वीडियो इंशाल्लाह अपनी एंड करते हैं। तो शाज़िब भाई कितनी देर आप लोग इसको ऐसे वॉक कराते हैं? बस ये खाने खाने के बाद ही खुले रहते हैं, खाने खाने पर बांधते हैं। हाँ, ताकि ये सही से खाना खाते, वरना ये क्या करते हैं, घूमने फिरने मस्ती में लग जाते हैं। सही है, इस वजह से जस्ट बांधते हैं और बस ये भी थोड़ी घूमेंगे, फिर अपने अपने अंदर जगह में चले जाएंगे खुद ब खुद ही। बंदे भी सब खुले रहते हैं, कोई बनता नहीं है बकरे। सही है, सब घूमे फिरेंगे, खुद ही अंदर चलेंगे। यार शाज़िब भाई जाते जाते मुझे बस ये भी दिखाएं कि ये जो सेटअप आपने बनाया अंदर से किस तरह से आप लोग ख्याल करते हैं। जाहिर सी बात है छत पे हर वक्त तो नहीं होते होंगे ना सारे, तो आप लोग किस तरह से इसको मैनेज करते हैं? देखें ये सारे बड़े बकरे जो है ना मेरे अंदर वो सारे यहाँ अंदर होते तो ना गर्मी है आजकल, तो इनके लिए उन्होंने कैमराज भी लगाए हुए हैं सारे कैमराज, पूरे मेरे जितने भी छोटे हों बड़े बकरे हों सबके लिए सिक्योरिटी सर्विलेंस कैमराज मौजूद है मेरे पास। अच्छा ज़बरदस्त। गर्मी है तो इनका देखें फैन भी लगा हुआ है, फैन भी चल जाएगा। तो माशाल्लाह से हर चीज़ मैंने अपनी तरफ से पूरी कंफर्ट देने की कोशिश करी है तमाम बकरों को, ताकि ये हेल्दी लाइफस्टाइल में रहें। और कैमरा कहाँ लगा हुआ है? अच्छा कैमरा वो टॉप है। अच्छा वहाँ लगा हुआ है, वो कैमरा लगा हुआ है, छोटे बकरों का कैमरा अलग लगा हुआ है। तो हर किसी के प्रॉपर एक सर्विलेंस है, तो बड़ा कंफर्टेबल माहौल सबको मिला हुआ माशाल्लाह, सब खुले रहते हैं, अपनी मर्जी से घूमते हैं फिरते हैं खाते पीते हैं। चलें जबरदस्त जबरदस्त माशाल्लाह से ये छोटा नहीं, माशाल्लाह सेटअप बहुत अच्छा लगा मुझे आपका। जब मैंने पहली दफ़ा देखा था ना तो मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड था भाई इस चीज़ से। तो शाज़िब भाई आप मुझे ये बताएं कि वो लोग जिनको बकरे देखने हों ख़रीदने हों वो आपसे किस तरह से रابطہ कर सकते हैं, और आप कहाँ लोकेटेड हैं, कराची में किधर होते हैं, थोड़ा सा अपना एड्रेस बता दें। देखिए मेरी रहाइश जो है गुलशन मेमार की है, तो जो भी मेरा सेटअप है सारा मेरे रूफ टॉप पर अवेलेबल है। सही है। तो जैसे अब आप क्या देखें लास्ट कुछ ही दिन रह गए ईद में, तो हम 24/7 अवेलेबल होते हैं। ठीक है, कोई भी आना चाहे किसी भी आना चाहे मुझे प्रायर कॉल करके आ जाए, नंबर मैं आप अपनी इसमें शेयर कर दीजिएगा। सही है। तो जो भी आना चाहे मुझसे कॉन्टैक्ट करके आए, क्योंकि इस वक्त काफ़ी लोग माशाल्लाह से आते हैं बकरे वगैरह के लिए, तो प्रायर अगर कॉल करके आए या मैसेज करके आए तो ज़्यादा मेरे लिए भी फिजिबल होगा। सही है, क्योंकि मैं किसी उस पर अपना रेजिडेंशियल एरिया में हूँ, तो आप अगर मुझे कॉल करके आएंगे तो ज़्यादा फिजिबल होगा। सही है। तो भाई ये थी आज की हमारी वीडियो, उम्मीद है आप लोग को हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी, बकरे आपको अच्छे लगे होंगे। जिनको रابطہ करना है वो नंबर मैं दे देता हूँ अभी, आप लोग उस नंबर पर रابطہ कर लीजिएगा। चलिए इंशाल्लाह अगली दफ़ा फिर मिलते हैं अगले नए व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।